हेलो लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बना रहे हैं हलवाई स्टाइल पनीर की जलेबी। ये जलेबियाँ बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज करके बनती हैं एंड बहुत ही ज्यादा डिलीशियस ये जलेबियाँ बनती है। सो चलिए लेट्स चेक आउट द रेसिपी। तो इसके लिए हम सबसे पहले कोई भी ग्राइंडर या चॉपर वगैरह लेंगे। मैं यहाँ पर चॉपर यूज कर रही हूँ। इसमें हम ऐड करेंगे 200 ग्राम पनीर। ये पनीर को हम क्रम्बल करके यहाँ पर ऐड करेंगे। 200 ग्राम पनीर में आपकी अराउंड 25 से 30 जलेबियाँ बन जाएंगी। इसमें हम ऐड करेंगे 100 ग्राम दूध। दूध की मेजरमेंट हमेशा पनीर की आधी रहेगी। अब हम इनको ब्लेंड करके इनका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम परफेक्ट, ऐसा ही टेक्सचर हमें चाहिए है। तो हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल में। ऐड करेंगे 1/2 कप मैदा। मैदा का इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं होता है, वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। 1 पिंच सॉल्ट। सॉल्ट ऑलमोस्ट हर डेजर्ट में डलता है, ये फ्लेवर को बहुत ज़्यादा एनहेंस करता है। 1/4 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। 1 पिंच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, बट ऐड कर रहे हैं तो सिर्फ 1 पिंच ऐड करें, अदरवाइज आपकी जलेबियाँ खुल जाएंगी। तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। मैदा का मैं आपको बता रही थी, मैंने काफ़ी लोगों को बोलते सुना है कि इतने पनीर के साथ इतनी मैदा जाएगी। नहीं, इसमें ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं होता है, हमें खुद चेक करना पड़ता है कि कितनी मैदा हमारी यहाँ पर लगेगी। सेम इतने ही बैटर में मैंने लास्ट टाइम जब बनाया था तो मेरा 3/4 कप मैदा लगी थी, और अब की बारी 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा मैदा मेरे यहाँ पर लगी है। आप देख सकते हैं टेक्सचर ऐसा फटा हुआ है अगर, तो इट मीन्स इसमें और ज़्यादा मैदा डालने की ज़रूरत है। अगर आप इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे तो ये सारा खुल जाएगा पैन में। तो मैं यहाँ पर 1/2 कप मैदा और ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये सब डिपेंड करता है आपके पनीर की क्वालिटी पर। तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है क्योंकि हमने और मैदा ऐड की थी। तो हम इसमें दूध ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेते हैं। दूध आप यहाँ पर कितना भी ऐड कर सकते हैं, जो कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग, बट मैं सजेस्ट करूँगी ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। तो कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के बाद आप इसको कम से कम 4 से 5 मिनट तक फेंटें, इन द सेंस इसको मिक्स करते रहें, बीट करते रहें। इससे आपकी जलेबियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो ये बैटर हमारा रेडी है। अब हम बना लेते हैं शुगर सिरप। उसके लिए मैं एक पैन में 1 कप पानी ले रही हूँ, 1 कप शुगर, और अब हम इसको बॉयल होने देंगे। बॉयल होने के बाद हम चेक करेंगे इसका टेक्सचर। टेक्सचर चेक करने के लिए थोड़ा सा सिरप हम अपने फिंगर की टिप के बीच में लेंगे। तो जैसे आप चेक करेंगे तो ये थोड़ा स्टिकी होना चाहिए, थोड़ा चिपचिपा होना चाहिए, बट इसमें एक स्ट्रिंग नहीं बनना चाहिए। ये हमारा सबसे परफेक्ट टेक्सचर होता है इसका। तो ये ऑलमोस्ट होने वाला है, तो हम गैस फ्लेम को लो कर लेते हैं। और गैस फ्लेम लो करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 इलायची को क्रश करके, और गैस फ्लेम को अब हम कर देंगे ऑफ। ऐड करेंगे 1 पिंच रेड फूड कलर। आप फूड कलर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ स्ट्रैंड्स ऐड कर दें केसर की। काफ़ी लोग बैटर में भी ऐड करते हैं फूड कलर, बट मैं जब उनको फ्राई करती हूँ जलेबियाँ तो मुझे पता ही नहीं चलता है वो फ्राई हो गई हैं या नहीं, तो इसलिए मैं ये शुगर सिरप में ही ऐड करना प्रेफर करती हूँ। तो ये शुगर सिरप रेडी है, इसको निकाल करके उतार करके एक स्टैंड पर रख देते हैं। अब ये फ्राई करने के लिए हम पाइपिंग बैग यूज़ कर सकते हैं, वो नहीं है तो आप ऐसे एक सेलोफिन यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एक कोन बना के हम इसको एक ग्लास में इंसर्ट कर लेते हैं। ग्लास में इंसर्ट करने के बाद जो हमने बैटर अभी प्रिपेयर किया था वो हम इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। तो इसके सारे कॉर्नर्स को इकट्ठा करके हम इसका एक कोन बना लेंगे। इसको थोड़ा प्रेस करके सारा बैटर हम आगे ले आते हैं। जब आप फ्राई करना स्टार्ट करें तो सीजर से आगे से इसकी टिप को कट कर दें। तो फ्राई करने के लिए हम यहाँ पर ऑयल या घी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको हीट करेंगे। उसका टेम्परेचर होना चाहिए मीडियम। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि टेम्परेचर कैसा है। चेक करने के लिए आप 1-2 जलेबियाँ बना करके देख लें स्टार्टिंग में।
अगर वो बनाने पर नीचे से फ्लैट हो जाती हैं, एकदम थोड़ी चपटी हो जाती हैं, तो मतलब आपका जो ऑयल है टेम्परेचर अभी उसका बहुत कम है, वो ठंडा है, उसको थोड़ा और गर्म करने की ज़रूरत है। मेरी जलेबियाँ यहाँ पर चपटी तो नहीं हुई हैं बट वो और ज़्यादा फूल गई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, वो बेकिंग सोडा की वजह से फूली हैं। तो अब इनको फ्राई कर लेते हैं जब तक ये गोल्डन ब्राउन होती हैं। तो इसी तरह हम बाकी की जलेबियाँ भी फ्राई कर लेंगे। ये कोन का साइज मुझे आगे से थोड़ा छोटा लग रहा था तो उसको मैंने थोड़ा सा और कट किया है। मेरी ऑलमोस्ट ये सारी जलेबियाँ फूल रही हैं, ये फूल रही हैं बेकिंग सोडा की वजह से, बट अगर आप बेकिंग सोडा ज़्यादा डाल देंगे तो ये सारी जलेबियाँ फट जाएंगी। तो इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। और फ्राई होने के बाद इंस्टेंटली हम इन्हें ऐड कर देंगे शुगर सिरप में। शुगर सिरप में हमें सिर्फ डाल के नहीं छोड़ना है, हम इन्हें अच्छे से अंदर तक डिप करेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर स्पैचुला रख दें ताकि उसके प्रेशर से ये अंदर तक उसमें डिप रहें। तो 2 से 3 मिनट तक हम इनको डिप करेंगे और फिर इन्हें एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ज्यादा जूसी लग रही हैं ये जलेबियाँ। जलेबियाँ आपकी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, आप ये जरूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।